आज हम बनाएंगे मज़ेदार आलू बैंगन की सब्ज़ी, जिसके लिए मैंने 4 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं। आलू को मैंने छील करके पानी में डाल दिया है, तो अब इसे कट कर लेते हैं। चलिए, आलू को काटने के बाद मैंने वापस पानी में डाल दिया है ताकि आलू काले ना पड़े। अब अपने बैंगन को काट लेते हैं। आलू और बैंगन को मैंने दोनों को काट करके पानी में डाल दिया, अब इनके पानी से निकाल लेते हैं। अब इधर कढ़ाई को मैंने गैस पर रख दिया है, 2 चम्मच ऑयल डाल दिया है उसमें। अब अपने आलू को फ्राई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने 2 मिनट के लिए आलू को फ्राई कर लिया है और इनका हल्का सा कलर भी चेंज हो गया है, गोल्डन कलर आ चुका है। फ्रेंड्स, आप इस तरीके से मसालेदार आलू बैंगन की सब्ज़ी ज़रूर बनाएं, ये आपको बहुत पसंद आएगी। तो निकाल लेते हैं आलू को। तो इसी तरीके से बैंगन को फ्राई कर लेंगे। तो बैंगन भी फ्राई हो चुके हैं, अब इनको भी निकाल लेते हैं। तो सेम कढ़ाई में 1 चम्मच ऑयल और डाल देंगे, इसमें डाल देंगे हम जीरा, 3 सूखी मिर्च डाल देंगे, अदरक लहसुन डाल देंगे, हल्का सा कच्चापन निकल जाने देंगे। उसके बाद ऐड करेंगे 1 प्याज, इसको भी गोल्डन होने देंगे। अब 1 टमाटर की प्यूरी ली है मैंने, इसको भी ऐड कर देंगे। अब इसी स्टेज पर 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 से 1.5 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच जीरा पाउडर, कसूरी मेथी, 1 चम्मच गरम मसाला और थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि मसाले जले नहीं, और कुछ सेकंड के लिए पका लेंगे। 1 से 1.5 चम्मच धनिया पाउडर डाल रही हूँ। तो 2 मिनट तक मसालों को भून लिया है, अब अपने आलू बैंगन को ऐड कर देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कुछ सेकंड के लिए पका लेंगे। तो कुछ सेकंड पकाने के बाद में 1 कटोरी पानी ऐड कर देंगे। दो मिनट के लिए सब्जी को कवर कर देंगे। तो एंड में धनिया पत्ते डाल देंगे और गैस को कर देंगे बंद। तो लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारी सुपर टेस्टी मसालेदार आलू बैंगन की सब्जी। तो इसको हम सर्व कर लेते हैं। आप इसको चावल के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, या फिर मेरी की तरह नॉर्मल रोटी के साथ खाएं, ये बहुत टेस्टी लगती है। तो फ्रेंड्स, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर ऑन करें ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।